नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जगह आया हूं जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं एक देसी जिम। यानी इस धोरा धरती के अंदर जिम का होना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन एक शख्स ने इस धोरों के अंदर एक ऐसा जिम बना के रखा है जिसको देख कर आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, शहरों के अंदर आपने बहुत सारे जिम देखे होंगे, लेकिन वो पक्की बिल्डिंगों के अंदर और मशीनों के पर आधारित वो जिम होते हैं, लेकिन ये जिम कुछ देसी अंदाज में हो और देसी आधार के आधार पर मशीनों का प्रयोग न कर और आम वस्तुओं का यानी घरों पर होने वाली आम वस्तुएं उसको उपयोग में लेकर इस जिम को शुरुआत की है। तो चलते हैं इस जिम के अंदर और यह है इनका मेन गेट। ये देखिए, ये दो बाहर से लकड़ी के बने हुए हैं और अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर कैसा कुछ नज़ारा है इसका। तो चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये पूरा का पूरा नज़ारा मैं इसके अंदर घूमकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब ये मिट्टी के बने हुए हैं और इस तरफ चलते हैं हम। ये देखिए, पूरा का पूरा देसी अंदाज में है ये सब। अभी हम इस तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ रस्सी लगी है और ये देखिए साइकिल की धुरी के आधार पर ये इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लगाया गया है और ये कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, तो इसका वेट है 60 kg और ये उठाएंगे एक हाथ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, और कंटिन्यू उठाएगा। लगभग 5 से 6 बार ज्यादा भी उठा सकते हैं, तो कंटिन्यू एंड तक देखना कितनी बार उठा सकते हैं। तो ये है भाई हरीश कालवेलिया। चलो शाबाश शाबाश, एक बार चलो, दो बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जोरदार, गजब, बहुत बढ़िया। देखो छोटा सा लड़का है और 60 kg वेट को 2 बार उठाए वो भी एक हाथ से, तो कैसा लगा सभी को कमेंट के अंदर जरूर बताना। बढ़िया नुकसान हो ना तो थोड़ा एक अपने खुद वजन नीचे बीमे जाओ, ठीक है, बड़ी बात। आपा गणेश उछल आप बहुत मजबूत है, लेकिन किसी ना टाइम आवे नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैलेंस हो रहा है, क्योंकि मिनी ही तो है और कहीं है। वो पूछते हैं मान लो उसका क्या वो उठा हम लोग करें
वेट एक सत्तर के जी वेट उठाएंगे अभी इस काम में बढ़िया एक जी इनका साथ दे रहे हैं चलो तू बैठ रही है देखो एक बार अरे छोड़ो हाथ बैक टू बैक हाथ 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 मार लर जाओ हर किस जाए लर जाओ उधर जाओ कौन कौन है लम सुबह हाथ में माल उठाएंगे ये फिर मोटर से उठा रही छोड़ा चलो बोल दे तो ये वजन है लगभग 170 केजी के करीब और भाई हरीश उठाएंगे इसको देखते हैं उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं कोशिश करेंगे चलो 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 कामयाब होना है चलो चलो थोड़ा सा नुकसान कर दिया तो भाई ने कर दिखाया 100 कितने ये जीत भाई कितने किलो का है ये 100 किलो का है और ये हरीश अभी उठाएगा आयो हरीश उठाइए इसको हरीश अभी तैयार हो रहा है वेट कमर कस रहे अभी है क्या कुछ क्या उठानी ये उठानी सिर्फ इनको तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है चार साल लिया पटकता ने एहसास क्यों को चार साल से कर रहे हैं ये स्ट्रगल जीत अभी उठाइए उठाइए जोरदार कितना वजन उठा रहे हो आप एक क्विंटल एक क्विंटल उठाइए कितने स्टिप लगाते हो आप कितने टिप्स लगे मैंने लगा दिए पांच छह काउंट कर लेना वीडियो के अंदर थकान महसूस हुई थकान उसने देसी है वार्म अप स्टार्ट हो रहा है वार्म अप अभी सब शरीर गर्म कर रहे हो ना अभी तो सब कुछ बाकी है अब कितना उठाओगे वजन अब वजन जीत भैया कितने डालोगे जीत भाई बताइए आप आपके हिसाब से बताइए कितना उठा सकते हैं अभी देखो वजन ऐसा है कि हमेशा करे हाँ। तो 200 किलो ही उठाए हमेशा ना करे तो ठीक है नॉर्मल वेट उठाओ उसी में खुश रहो उसी में खुश रहो हाँ तो हरीश जी आप कितने में खुश रहोगे बोलो हरीश जी ने ऑलरेडी पहले भी उठा रखा लगभग 160 के जी ये तो एक हाथ से भी उठा जीत भाई ये कहना चाहते हो भाई जितना शरीर है उतने हिसाब से अपना उठा सकते हैं शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी ऐसा नहीं है अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही चीजें उठानी चाहिए और जबरदस्ती इन चीजों में करते हैं अपनी कोई हड्डी वड्डी शरीर शरीर लॉस में जाता है लंबे टाइम तक साइड में चले जाते हैं बिल्कुल राइट बात की आपने हां भैया आप बदन डालो हम उठा लेंगे कुछ नहीं भैया क्यों डालो नहीं डालो ये डंबल और लगा रहे हैं 100 केजी तो हो चुका था अब ये डंबल और है लगभग हो जाएगा लगभग 150 के समथिंग अभी और यही डंबल अभी उठाएंगे हरीश कालबेलिया फिर से ये अभी कितना अभी कितना हो गया
पूछो जी जी बताइए कितने हो गए? 160 केजी के डंबल वापस हो चुके हैं और ये चैलेंज क्या पार कर पाएंगे हरीश काल बेलिया? हो जाएगा। शाबाश। एक थावी टैगोल आ रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 क्विंटल 60 केजी क्या शरीर क्या गर्म हुआ? शरीर अभी गर्म हुआ, शरीर गर्म हो रहा है, हो रहा है। अब धीरे धीरे और होगा। यहाँ उठाइए जीत भैया, एक और बताना, एक वीडियो और करें। बदन बता दिया था हीरो, एक मतलब क्या मिस किया? हंसो मत, हंसो मत। आगे जोर लगाना, लाल साइड जोर कौन लगा? ओके ओके ओके, लाल साइड जोर लगाना। पांच वीडियो स्टार्ट के सुंदर, ठीक है ना? फिर से कमर ऊपर जोरदार, सीधी कमर के साथ, कमर सीधी रखो, लगा रहे हैं वापस जीत के साथ, कमर सीधी, कमर सीधी वाठी रखना है वो तो सिर्फ। ये देखिए, ये देखिए, कमर नहीं, कमर उधर करनी है, कमर को बेंड करनी है, बेंड कर दे, ये एक कर ले, ये हो ठीक हो जाएगा पूरा। नहीं ये खींचना बैक पर, इधर तो चमक उठ, कमर थोड़ी यहीं रहे, यहीं ये देखिए, छोटे से भाई ने उठा रखा है, ये है जीत के दादाजी, जिन्होंने जीत को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो इनसे पूछते हैं दादाजी, आपके पोते ने जो जिम खोला है तो उसमें आपने कितना साथ दिया? इसमें मैं हुआ तो साथ ही दिया। आपने साथ दिया, और कितना साल वो शुरुआत है, कितना साल करे? मैं शुरुआत कम से कम 8-10 वर्ष हो गया, 8-10 साल हो गया। अच्छा, शुरुआत आप यही इस घर से ही हुई? हाँ, इस घर से ही। अच्छा, और आप ये दादाजी? हाँ, और जीत के आना, ठीक है। और जीत जब कितने साल का था तब से ये शुरुआत की इन्होंने? मतलब 15-16 साल रहो तो 15-16 साल रुचि ही सब ज्यादा इसमें, इसमें बहुत रुचि ली, रुचि, और आपने साथ दी होती तो मतलब इसमें ही रुचि होती, इसमें ही रुचि हुई। अच्छा, आपने पूरा पूरा सपोर्ट किया है ना? पाल ले रहा। तो दादाजी मेरे को ये बताइए कि जीत अभी तक बाहर के देशों में खेल चुका है? बाहर कई जगह बाहर भी गया। अच्छा, कोई प्रतियोगिताओं में बताया था कि काफी अच्छे मेडल जीते हैं? जीत जीत के छोटा काका है हमारा गुरुजी। जो है।